हेलो गाइस, तो आज हम बनाएंगे स्वीट स्वीट सा गिफ्ट। उसके लिए मैंने A4 साइज़ का शीट लिया है, मींस प्लेन पेपर है ये A4 साइज़ का, आप कोई भी ले सकते हैं। मैंने पीच कलर का लिया है, आप चाहे तो प्लेन कलर में भी बना सकते हैं। फिर मैंने एक रफली हार्ट कट करके उसे मार्क कर दिया, फिर उसे भी कट कर लिया। कट करने के बाद मैंने इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट ली है, आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल हो। फिर उसके ऊपर मैंने गम लगा के उसे स्टिक कर दिया, फिर दोनों साइड से फोल्ड करके उसे भी मैंने गम से स्टिक कर दिया। ऊपर साइड से मैंने स्टिक नहीं किया है। फिर आप कलरफुल पेन से आप जैसा चाहें उसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं। बस ये कलरफुल रहना चाहिए, बिकॉज़ ये जो गिफ्ट बन रहा है ये कलरफुल ही बहुत अच्छा लगेगा। फिर क्या आपने सारे कलर्स उठाओ और फेर दो। फिर मैंने इसके ऊपर स्वीट सा मैसेज ऐड किया है, आप कोई भी मैसेज ऐड कर सकते हैं। फिर हमको बनानी है कैंडीज, उसके लिए मैंने 4 कलर यूज़ किए हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन एंड पिंक। इन 4 कलर्स को मैंने 24 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फिर 3 साइड से मैंने उन्हें स्टिक कर दिया है। एक साइड से मैंने स्टिक नहीं किया है। ये बन रही है कैंडीज, मीन कलरफुल कैंडीज। आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास ये कलर अवेलेबल था तो मैंने ये कलर यूज़ किया। तो ये तो हो गया। अब हमको इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने छोटे छोटे हार्ट कट किए हैं, फिर मैंने उसे ऊपर से सेंटर में स्टिक कर दिया। मैंने ऊपर से पिंक पेन से हार्ट बना दिए, बहुत ही क्यूट लग रहा था। फिर हमें उसके अंदर एक मैसेज ऐड करना था, सारी कैंडीज में ऐड करना था, आपके अकॉर्डिंग है, आप कोई भी मैसेज ऐड कर सकते हैं। फिर उसे मैंने स्टिक करके जिगजैग कटिंग में कट कर लिया। ये होने के बाद आप कैंडी के दोनों साइड से हल्का सा प्रेस कर दीजिएगा। चलो ये सब होने के बाद मैंने सारे मैसेज रेडी किए, फिर सारे मैसेज को उनके अंदर फिल कर दिया। फिर उन्हें सबको मैंने स्टिक करके वैसे ही जिगजैग कटिंग करके कट कर लिया। चलो अब ये तो बनके हो गया रेडी। फिर हमने उसका जो एनवलप बनाया था उसमें सारे कैंडीज फिल कर देंगे, फिर उसे भी गम से स्टिक कर देंगे। ये बनके हो गया रेडी, इतना क्यूट लग रहा है। अगर आप इसका ऑर्डर करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप और इंस्टा आईडी तो मेरी पता ही है। फिर जल्दी से मैसेज करो ऑर्डर के लिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा बना है। चलो फिर मिलते हैं कल नए वीडियो के साथ। बाय।